पिताजी कल जाएंगे। मैं जानता हूँ। धन्यवाद। आओ आओ चलो ठहरो रुको। आओ जवानों, मरियम कहाँ है? वो आ रही है। तुम आ गई मरियम। आज रिवर कैसा था? दाऊद कहता है सब ठीक है। अच्छा अच्छा। मरियम, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी होगी अपनी माँ और बहन के लिए। मैं जानती हूँ पिताजी, मैं जो भी जरूरत हो उसे करने को तैयार हूँ। और तुम बड़ी हो रही हो और हम तुम्हें यहाँ हमेशा नहीं रख सकते, तुम जानती हो। मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है पिताजी। हाँ मेरे भाई, योना ने कल शाम को आकर मुझसे बातें की। किस बारे में पिताजी? तुम्हारे और अपने बेटे एनोक के बारे में। शादी की बात कर रहा था। शादी? आपने उससे क्या कहा? उनका एक अच्छा परिवार है और उनका बेटा एनोक अच्छा जवान है, जिम्मेदार है। परंतु मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? तुम क्या कह रही हो लड़की? वो मेरे जैसा नहीं है। हम दोनों एक जैसा नहीं सोचते। एक जैसा नहीं सोचते? कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं बता रही हो? क्या इस लड़के ने कोई बदतमीजी की? नहीं, बिल्कुल नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने जाने से पहले इसे निपटा के जाऊंगा। ओ माँ, मैं एनोक से शादी नहीं कर सकती, ये ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? ये सब चीजें समय की शुरुआत से ही ठीक है। मेरा भाई योना, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा बेटा एनोक और मेरी सुंदर बेटी मरियम, क्या अच्छा नहीं है? परंतु वो यीशु का अनुयायी नहीं है पिताजी। मेरे साथ हंसी कर रही हो? मैं इस नाजरी का शिष्य नहीं हूं। तो क्या तुम मुझे पिता कहने से इनकार कर दोगी? तुमने और तुम्हारी सहेली ने इस लड़की के दिमाग में क्या भर दिया है? मरियम, अपनी बहन के पास जाओ। तुम्हारी बेटी मना कर रही है एनोक से शादी के लिए, क्योंकि वो यीशु का शिष्य नहीं है। मैं जानती हूं तुम मरियम के लिए अच्छा करना चाहते हो मूसा, पर क्या इस मामले में उसे कोई और पसंद नहीं दोगे? पसंद? एनोक एक अच्छी पसंद है। वो एक सम्मानित जवान लड़का है, उसका पिता मेरा भाई है, रिश्तेदार है। वो मेरे पास आया और उन्होंने हमारी बेटी में रुचि दिखाई। इसलिए तुम्हारे लिए किसी और के बजाय योना के साथ बात करना आसान है? हाँ ये आसान है। मेरे जीवन में क्या कुछ आसान नहीं हो सकता?
तुम्हारे लिए आसान मूसा, परंतु मरियम का क्या? यह उसके पूरे जीवन के लिए होगा। क्या अकेला जीवन अच्छा होगा? तो तुम कल जा रहे हो, वो अभी भी जवान है, तुम्हारे आने पर बात करेंगे। शायद मैं कभी ना भी लौटूं। नहुम के बारे में सोचो। ओ, ऐसी बातें मत करो। मैं कमाता हूं, परिवार का मुखिया हूं, मुझे ये सब सोचना पड़ता है। अय्यूब और दाऊद कल यहां होंगे। दाऊद कल गिरफ्तार हो सकता है। मैं यहां हूं संभालने के लिए। क्या तुम भूल गई तुम कितनी बीमार रही हो? मैं नहीं बोल सकता। परमेश्वर पर भरोसा रखो, वही सब देगा। जैसा कि उसने दिया है, जैसा कि उसने हमेशा दिया है, ये सब उसी ने दिया है। और मैं यहां नहीं होऊंगा। मरियम के बारे में सोचो मूसा, उसकी भावनाओं को समझो। अभी तो इस मामले को यहीं छोड़ो, परमेश्वर सब करेगा। मैं अपने भाई योना को क्या कहूंगा? तुम कुछ और सोचो। उसने क्या कहा? चिंता मत करो। मुझे विश्वास ही नहीं कि वो जाने से पहले भी कुछ करेगा। मैं नहीं चाहती कि मैं और मेरा पति बैल जैसे हो जाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? आज सुबह मैंने याकूब को अपने बैलों के साथ जूझते देखा। हालांकि वो एक साथ जुते हुए थे, फिर भी अलग दिशा में खींच रहे थे और कहीं नहीं पहुंच रहे थे। और वो तुम और एनोक होगे? नहीं होंगे, अगर मैं यीशु को मानती हूं और वो नहीं। बिल्कुल ठीक कहा मरियम। तो तुम्हारी बहन कैसी है? थकी हुई और बीमार, परंतु आशा से भरी। हाँ, अच्छा, जब तक वो बीमार महसूस करती वह बच्चे के साथ है। मुझे उसकी कमी लगेगी। हाँ, पिताजी अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो यीशु को नहीं मानते। हर बात का अपना समय होता है प्रिय। कभी कभी मैं दुविधा में पड़ जाती हूँ। मैं इनोक का इनकार करके पिताजी को परेशान कर रही हूँ, और मुझे आशा है मैं सही हूँ। अगर गलत हूँ तो क्या होगा? अगर हम ही गलत हैं तो क्या होगा? मैं कैसे जान सकती हूँ कि यीशु ही मार्ग है? मैं कैसे जान सकती हूँ कि उसके वचन सच्चे हैं? हाँ, उनके बारे में पहले ही कह दिया गया था, हजारों साल पहले, जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई और आदम और हव्वा ने उनके विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तेरी संतान सांप का सिर कुचलेगी, और एक दिन उसके वंशजों में से एक पाप और शैतान की शक्ति को नष्ट कर देगा। और परमेश्वर ने यीशु के आने के सैकड़ों साल पहले नबियों द्वारा बातें की। नबी यशायाह ने भविष्यवाणी की कि मसीह एक कुंवारी से जन्म लेंगे। नबी मीका ने भविष्यवाणी की कि वो बैतलहम में पैदा होंगे, जो रोटी का घर है। यीशु हमारी आशा है और हमारा भोजन है।
नबी यशाया ने यह भी बताया कि मसीह से नफरत की जाएगी, उन्हें ठुकराया जाएगा, उन्हें पीटा जाएगा और वो हमारे लिए मरेंगे। और वे सहे वह यातना जो हमारे लिए थी और वो दर्द सहे जिन्हें हमें सहना था। हमारे पापों के कारण उन्हें घायल किया गया, हमारे कुकर्मों की वजह से उन्हें पीटा गया, परंतु उनके दंड भोगने से हम चंगे हो गए और उनके घूंसे खाने से हम पूर्ण हुए। यीशु ने हमारी शर्मिंदगी अपने ऊपर ले ली और जब वो जी उठे उन्होंने शैतान और मृत्यु की शक्ति को कुचल दिया, जैसा परमेश्वर ने हवा से वादा किया था। यीशु ने परमेश्वर की वो सारी भविष्यवाणियां अपने जीवन और मृत्यु द्वारा पूरी की और पुनः जी उठे। हम शास्त्रों पर भरोसा कर सकते हैं मरियम, क्योंकि वे सच्चे साबित हो गए हैं। वे परमेश्वर के वचन हैं, जो सर्वशक्तिमान ने उन्हें प्रेरित किया और उनकी रक्षा की। वह उन्हें शुद्ध रखने में उत्साही था। उन्होंने हमें तृप्त किया इस रोटी के समान, पर वो इससे भी अधिक पौष्टिक हैं। प्रेरित पौलुस ने लिखा कि सभी शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए और धर्म की शिक्षा देने में, समझाने में, सुधारने में, सही जीवन जीने का निर्देश देने में लाभदायक हैं। जब तुम इस तरह से यीशु के और शास्त्रों के बारे में बात करती हो, मैं आश्वस्त हो जाती हूँ। परंतु अपने दिल में पूरे समय ये आश्वासन कैसे रख पाऊंगी? मैं अपने विश्वास को कैसे जी पाऊंगी माँ? यह तुम्हारा साहस होगा मरियम। हम जब परमेश्वर पर भरोसा रखते और उनकी आज्ञा मानने लगते हैं, अपने विश्वास में बढ़ते जाते हैं। और जब तुम हर रोज उसको समर्पित होते हो, तो वह तुम्हें वह सब विश्वास और बुद्धि देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। दाऊद, तुम ठीक तो हो? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ जबकि मेरे अपने पिता अग्रिप्पा के लिए महल बनाने जा रहे हैं। दाऊद, तुम जानते हो कि मुझे जाना ही है। और तुम्हें अपनी माँ, भाई और बहनों की देखभाल करनी है। मेरे बेटे, वादा करो मुझसे। जो हो सके मैं करूंगा। मैं तुम पर भरोसा रखूंगा।
अलविदा पिताजी। परमेश्वर तुम्हारे साथ हो। इस कहानी के समान कोई स्थिति हो तो तुम कैसे निपटोगे? मरियम ने कैसे किसी अहम बात पर असहमत होते हुए भी पिता का आदर किया। मरियम की माँ ने उसके संदेहों में उसकी मदद कैसे की? हम कैसे फैसला करेंगे कि सही क्या है? इस घटना से तुम्हें संदेह और विश्वास के बारे में
क्या पता चलता है?